हे गाइस, सभी को ऋतु का नमस्कार। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि घर में ही हम मिर्च किस तरीके से लगाएं। तो बाज़ार से जब हम हरी मिर्च लेकर आते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि ये मिर्च जो है ये रखे रखे लाल हो जाती हैं, तो इनको आप फेंकिए मत। इसमें जब तक सीड्स को नरिशमेंट मिलता है, सीड्स अंदर रहते हैं, उनको नरिशमेंट लगातार मिलता जाता है, तो वो परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। तो ये बेस्ट सीज़न होता है गर्मियों में, जो है मिर्च के सीड्स अच्छे से लग जाते हैं बजाय ठंड के। तो इस समय यदि आप सीड्स लगा लेंगे, इसके लिए आपको बाज़ार नहीं जाना है, आपको ख़रीदना भी नहीं है, आप घर में ही उपलब्ध लाल मिर्च से या हरी मिर्च से आप अपने सीड्स खुद ही निकाल के लगा सकते हैं। ये जो आप मेरा ग्रो बैग देख रहे हैं, ये अभी कुछ इसमें खरपतवार हो गए हैं, लेकिन मैंने खादयुक्त मिट्टी जो मैं आमतौर पर अपने घर पर बना के रखती हूँ, उसे मैंने बनाकर और इसमें भर के रखा था। ये हैं कसूरी मेथी के बीज और ये मैंने 4 साल पहले अमेज़न से बुलवाए थे और ये ऐसे ही जब हमारे यहाँ पक जाते हैं, गिर जाते हैं, मैं इनको स्टोर करके नहीं रखती हूँ, क्योंकि अक्सर मैंने देखा कि स्टोर करने से मेरे कई बार सीड्स ये वाले ख़राब हो जाते हैं। तो ये इस तरीके के बारीक बारीक सीड्स होते हैं, जो आम तौर पर मेथी होती है उससे उसका साइज़ जस्ट हाफ होता है, हाफ से भी कम होता है, 1/4 समझ लीजिए। और उसकी पत्तियों में खुशबू तभी आती है जब वो सूख जाती है, तो मैं हर साल ऐसे लगा देती हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से जब भी कोई खरपतवार उगे तो आप उन्हें किनारे दबा दीजिए, ताकि वो अपने समय काल के दौरान वो पानी उन पे पड़ता रहेगा, मिट्टी से जो माइक्रोब्स रहेंगे वो उनको डिकम्पोज करते रहेंगे। ये इस तरीके से मैं मिट्टी तैयार करती हूँ। यदि आपने घर पे कभी भी वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल किया होगा तो उसके माध्यम से कई केचुए के अंडे आते हैं, जो हमारे घर में जब उनका मौसम आता है तो वो अपने आप पनप जाते हैं, तो ये कंपोस्टिंग कर देते हैं। तो इस तरीके से मिट्टी तैयार हो जाती है। यदि आपको मिट्टी के ऊपर स्पेशल कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। और पिछले जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था कि घर पे सब्जियों बीजों से कैसे सब्जियां लगाएं, उसमें आपके कैसे क्या अनुभव रहे, आपने क्या ट्राई किया, तो आप मुझे कमेंट के द्वारा और बताइएगा। कुछ यदि संशोधन करना होगा तो मैं ज़रूर अपने आगे वाले वीडियो में मैं करूँगी। तो ये देखिए, इसको लगाना किस तरीके से मैं आपको बता देती हूँ। मिर्चों को लगा लीजिए। यदि आपको ग्लव्स पहनना है, आप कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, तो ग्लव्स पहन के ये कार्य कीजिए, या फिर चाकू से, या आप चीरे लगा लीजिए इसमें। इस तरीके से इसके सीड्स निकाल लीजिए, ये देखिए। अच्छा, एक चीज़ और मैंने मार्क की है कि जो हम बाज़ार से सीड्स लेते हैं और कंपैरेटिवली जो घर पे इस तरीके से हम लगाते हैं, इनमें जर्मिनेशन बहुत जल्दी हो जाता है। ये देखिए, सारे सीड्स आप निकाल लीजिए। यदि आपको निकाल के सुखाने की इच्छा है तो आप सुखा भी सकते हैं, लेकिन मैं सुखाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल गीले रहते हैं और उनको अलग से मॉइस्चर अब्ज़ॉर्ब करने की ज़रूरत नहीं रहती, और उनको मिट्टी में भी वही नमी दी जाए तो उनमें स्प्राउटिंग जल्दी हो जाती है। ये हमारे बीज निकल गए हैं और अब हमें इनको दूर दूर स्प्रिंकल कर देना है। हो सके तो आप अपनी पॉटिंग सॉइल में थोड़ी सी नीम की खली मिला लीजिए। यदि खली नहीं है आपके पास में तो इस दौरान पत्तियां यदि नीम के आसपास कहीं मिल जाती हैं, कड़वी नीम की, तो वो मिला लीजिए आप। और इसे सिर्फ इतना ही कवर करना है कि जो बीज हैं वो हल्के से ढक बस जाएं, क्योंकि छोटे छोटे बीज हैं, जितना बड़ा बीज रहता उसी प्रमाण में उसके ऊपर मिट्टी डाली जाती है। ज़्यादा गहरे आप लगा देंगे तो स्प्राउटिंग में इनको समय लगता है। मिट्टी भुरकने के बाद में आप इन्हें अच्छे से दबा दीजिए, और जब आप पानी देते हैं तो या तो स्प्रेयर से आप पानी डालिए, या फिर बेस्ट है कि मग्गे के माध्यम से डालिए पानी, ताकि बीज जो है वो डिस्टर्ब ना हो। और पानी ये हमने इस तरीके से हाथ से डाल दिया, और अगला जो पानी आपको तभी डालना है जब ऊपर से मिट्टी ड्राई हो जाए, क्योंकि हल्की सी ड्राइनेस उसमें आ जाए, मॉइस्चर अंदर रहे लेकिन हल्का सा ड्राइनेस उसमें आ जाए। कुछ लोग कवर भी कर देते हैं, आपकी इच्छा है तो आप न्यूज़पेपर से इसे कवर कर सकते हैं, ताकि स्प्राउटिंग अंधेरा जब होता है तो स्प्राउटिंग जल्दी हो जाती है। लेकिन इसे ऐसी जगह लगाइए जहाँ पे इसे पूरी धूप मिलती हो। तो ये हमने पानी डाल दिया। अब पानी डालने के बाद में ये देखिए, 10 दिन बाद का ये रिज़ल्ट है। देखिए, 10 दिन बाद कम से कम ये कितने सीड्स हैं ये मैं आपको बता दूँ,
धीरे धीरे करके ये ग्रो हो रहे हैं सीड्स। और एक बार यदि आप मिर्च का पौधा लगा देते हैं, उसका रख रखाव और केयर अच्छे से करते हैं, तो वो 2 से 3 साल आपको मिर्च खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और क्योंकि फ्रेंड्स मार्केट में जितनी भी सब्ज़ियाँ हम आज के समय में खा रहे हैं वो सभी केमिकल्स युक्त होती हैं, तो बेस्ट है कि आप अपने घर में अपनी खुद की पॉटिंग सॉइल बनाइए, खुद की खाद बनाइए और फिर उसमें अपनी सब्जियों को लगाइए। तो ऑर्गेनिक वे में जब आप लगाएंगे तो आपको नया सीखने को भी मिलेगा, क्योंकि हर दिन हम नया सीखते हैं, तो सीखने को भी मिलेगा। आपको पता चलेगा कि हम अपने ही घर में किस प्रकार से उगा सकते हैं। अभी तो जो समय चल रहा है इसमें, आगे आने वाले समय में जिस तरीके के हालात अभी बन रहे हैं, तो केमिकल फर्टिलाइज़र जो मेरे भाई बहन इस्तेमाल करते हैं उनको थोड़े से समय के लिए तो मिल जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली सारे केमिकल्स जो चाइना से बनकर आते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। NPK वगैरह सब बाहर से बन के आते हैं, तो बेस्ट है कि ऑर्गेनिक की तरफ आप अपना रुख मोड़ लीजिए। तो ये मैं कुछ आपको अपडेट्स दिखा रही हूँ अपने घर में जो मैंने सब्जियाँ लगाई थी। ये देखिए गिलकी के कुछ पौधे उग गए, इनके स्प्राउटिंग भी हो गई है। और कुछ यहाँ पर मैंने क्या लगाया था मुझे ध्यान नहीं है, मैं भिंडी लगाई थी मैंने यहाँ पर, तो मैं आपको बताऊंगी जब उनमें स्प्राउटिंग हो जाएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। बैंगन के मेरे पौधे जो हैं वो रेडी हैं। तो इस तरीके से आप अपने घरों में ऑर्गेनिक वे में जब सब्जियां उगाते हैं, और एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि ऑर्गेनिकली जो सब्जियां या पौधे ग्रो किए जाते हैं उनमें कीड़े मकोड़े कम लगते हैं, तो हमें उतनी फिक्र और इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड स्प्रे नहीं करना पड़ता। मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए और फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के वीडियोज़ लेकर आऊँगी। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो आप लोगों का हेल्पफुल साबित होगा। तो हम फिर मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।